गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और इधर धूप निकल आई है दोस्तों, और हमारे साथ में हमारे गोविंद भाई बैठे हुए, हम लोग छत पर हवा ले रहे हैं ठंडी ठंडी, और आज परवाई चल रही है दोस्तों। परवाई अच्छा लगा। परवाई चल रही है। इनको बहुत अच्छा लगा हमारी इस बात पर कि परवाई चल रही है। हमारे यहाँ गाँव में ऐसे ही बोलते हैं दोस्तों, पूरब तरफ से जब हवा चलती है ना तो उसको परवाई बोलते हैं। और आप लोग बता दें, रात में तो दोस्तों हम लोग छत पर लेटे थे यहाँ पर इसी छत पर, और अचानक से एकदम बारिश आ गई दोस्तों और आंधी भी आ गई। गोविंद भाई तो बोले, अरे भाई उठो 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 जल्दी उठो, बारिश आ गई। भाई बताएं, नींद ज़्यादा लगती है, कम टाइम मिलता ना यहाँ सोने का, इस वजह से जागते रहते हैं लोग 12-1 बजे तक। इस वजह से नींद आती सुबह के टाइम, तो सुबह के टाइम पानी बरसने लगा। और वैसे अब काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, और इधर उधर देखो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज भी काफ़ी काम है दोस्तों, जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक काम ही काम है, और वो सब करना पड़ेगा सभी को मिलके, तभी हो पाएगा। और एक बात आप लोगों से बोलनी है, जो भी हमारे जो नए सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल पर दोस्तों जुड़ रहे हैं, तो उनको पता नहीं है अभी हम इस टाइम कहाँ पर, तो इस टाइम हम अपनी ससुराल में हैं, और हमारी साली हैं जो नया, उनकी शादी है, तो हम यहाँ पर पहले से आए हैं दोस्तों, यहाँ पर यहाँ की व्यवस्था दिखवाने, और बहुत सारे होती है ना देखभाल के लिए। और तो आप लोग बताया था, वैसे गांव तो छोटा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत ही प्यारा गांव है दोस्तों। हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और यहाँ पर इधर उधर पेड़ हरे भरे खड़े हुए हैं। ये देखो खजूर का पेड़ है, इस पर खजूर भी आए हैं। ये तो बिल्कुल सुलेखा का ये देखो घर है, और ये देखो पेड़ खड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू है। देखो इस पे अभी खजूर हाथों से तोड़ लेते हैं, लेकिन अभी ये कच्चे हैं दोस्तों, जब पक जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर कितना अच्छा है, यहाँ पर हाथों से तोड़ लो, इधर उधर चढ़ने भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पर से नीचे तो बहुत है दूरी। और ये देखो खेत पड़ा हुआ, इधर वो मंदिर रहा, और ये भी देखो ऊपर छत पर ठंडी हवा लेने के लिए आ गया। और इधर हमारा यश बेटा, क्या कर रहे तुम? ऐ चाय पी रहे हैं, और आरजू चाय पी रही है, और बच्चे भी चाय साथ में पिए। हाँ, इधर राम कुमार भाई अभी देखो लग रहा है नहाकर आए हुए हैं, और ये भाभी खड़ी हुई हैं। आप दर्श बाबू से मिलवाते हैं, आप लोग बोल रहे थे दर्श की अब तबीयत कैसे है। दर्श बताओ अब कैसे हो तुम, अब आराम है तुमको, अब तो नहीं कोई टेंशन है, पलटी तो नहीं आती है? और नया पता नहीं फोन में अपने क्या कर रही है। क्या कर रही है? गड़बड़ी गड़बड़ी, क्या गड़बड़ी कर रहे हो आप अपने फोन में, बताओ जल्दी। वीडियो अपलोड कर रहे हो? सुलेखा अपनी साड़ी को सेट कर रही है, भाभी पता नहीं क्या प्लान में है। क्या करने जा रहे हो? नहाने जा रहे हो? तो आज बताओ, आज आज कौन सी रस्म है आपकी? हल्दी है आज है। सरकारी नल लगो, ये मामा घर के सामने सरकारी नल था ना, ये जाइए आटा पलट गए। आठ बजे रह गई बटवे खेलने का, ये हुआ पड़े जे तुम्हारे ले। क्या बता रही दादी, कितना पूछ रही, चली गई दादी अम्मा आ गई। है ना, ना सही है, आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दादी अम्मा आई, कल कह रहे हो तो अम्मा, कल कह रहे हो तो अम्मू लेवाए लाओ। अब आ गई, अब दादी अम्मा आई, अब ना तुम रुजो आओ। जी हाँ, आज मम्मी भी आ गई है, अब और अच्छा लगेगा यहाँ पर। वैसे सुंदर सुंदर लगता था मम्मी के बिना, अब मुझे तो काफी अच्छा लगेगा, और हमारे बच्चों को भी। तेल है यार, देखो खाना पीना व्यवस्था हो रही है, धनिया हरी धनिया टमाटर वगैरह सब काटे जा रहे हैं। ये आलू, ये देखो आलू धो रही, साफ कर रही हैं। मम्मी आई सब घर को सही, भाभी देखो पटा बिलना जन कांत जिले फिर रही, जा मैं कहा बन रोसो लेखा आलू बन रहे हैं नया का खा रही। ये देखो सतुआ खा रही, चना की सतुआ, जाए कछु मौके आगे बचू नहीं जो मारे। रो ना करो नया, तुम
मम्मी पूड़ियाँ बनाने लगी हैं। गर्मी है मम्मी ज्यादा। अच्छा जी प्रसाद वाली पूड़ियाँ हैं। प्रसाद वाली है, 3 करोड़ रुपया जी पुआ रखे हैं। हाँ, पुआ भी रखे, दिखाए दे। मम्मी इन चीजें में बहुत आगे हैं, खाना पीना बनावे में। देखो सब्जी भी बना के तैयार कर दी। इधर गोविंद भाई पानी पीने जा रहे हैं, गोविंद भाई की दीदी तैयार हो रही है। देखो पाउडर वाउडर लगा लो इनने, मस्त लग रही भाभी तो। क्या गोविंद भाई है? राम कुमार इधर 10-10 के नोट इकट्ठे कर रहे हैं भाई, शादी में जरूरत पड़ती है। लेकिन जो पुराने नोट कहाँ ले आए तुम? नए नहीं मिली आते? नहीं, कहीं ना मिल रहे। कहीं नहीं मिले, कहीं ना मिले ना बैंक। ये तो अगर तुम अपनी जेब में बटुआ में रखे ही, तुम्हारे आते जी खत्म हुए, फट गए। बटुआ में रखे ही नहीं इन्हें, बस मैं एक गड्डी बना के रख दी है, जब रहता है बस तुम ही दी है। आज हल्दी है तो तैयारी हो रही है। इधर देखो भाभी और सुलेखा दोनों लोग तैयारी में हैं, और इधर नया बिचारी। तुम उदास मत होया करो, वैसे स्माइल रखो अपने फेस पर। तेल चढ़ने को तेल चढ़िया हुआ है, भैया गीत गा रहे हैं, मंदिर के अंदर जा रहे लोग। तो मतलब तो रजत भाई कैमरा मैन बना दिए गए। तो भाई भूख लग रही थी, दरअसल अकेले के लिए खाना खान लगे क्या? हम तो कही नहीं तुमने, कह दरसु बाद हम कही, हम तो तुम्हारे संग ही कही। अरे यार तुम तो अच्छा समझदार। अभी क्या बना रही तुम? हरा है भैया, हमें नहीं पता जे हरा बोले यार। ये पंडित जी अपना चौक बना रहे हैं, गलत आएगा। आया फिर तुम लगी है। इन्हीं पंडित जी ने हम लोगों की भी शादी की थी, और आज भी देखो सभी लोगों की इन्होंने ही शादी की है, और यही एंड करेंगे। बस भगवान इनको सलामत रखे। अच्छे हैं पंडित जी, झगड़ते बगड़ते नहीं है किसी चीज़ के लिए। वैसे एक बात तो है जी, हमारी शादी में भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही है। जवान सब काम चल रहे भैया, ये पूरी पूरी कार्यक्रम चल रही है, सैकी जा रही है पूरी। पंडित जी हम देश विदेश हम पहुंचा दी तुम्हारी फोटो। हाँ तेल की रस्म के लिए भाई तैयारी हो रही है, और इधर नया जा रही हैं पंडित जी, इधर बैठे हुए हैं। जाओ जी ले जाओ गोविंद भाई, खाओ खाना खाओ। हल्दी रसम के लिए देखो यहाँ पर बैलून वगैरह लगा दिए। यहाँ पर ये देखो हल्दी व रसम का ये जो दोस्तों होता है, चिल्ला मिल्ला वगैरह होता है, वो लगा दिया है। यहाँ पर देखो गुब्बारे वगैरह चलेगा। तैयार हो जाओ, कितने टाइम हो गए? और रजत इधर, रजत बाबू खड़े हैं, और यहाँ पर दूसरे रजत खड़े हैं। अब नया बिचारी जा रही है, रजत बहुत सैड हो रहे हैं यार। बताएं ये दोनों लोग साथ साथ में बने रहे इस वजह से हमेशा घर पे, और जो बड़े वाले भाई हैं वो तो रुकते नहीं, वो तो बाहर रहते हैं। तो ये दोनों लोग हमेशा साथ में रहे ना तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है सभी को, वो तो मानते हैं, लेकिन क्या करोगे, दुनिया का ये दस्तूर है। तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और जो ये हल्दी रसम वाला वीडियो है दोस्तों वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इसी चैनल पर। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और बाय बाय।